Hello my dear students, in this video we are going to do our algebra. The first lesson of algebra we finished, only the problem set of that lesson is remaining. So let's start the problem set of first lesson of algebra. First two sections are given in such a way that we have to choose the answer. Four options are given, we have to choose the correct alternative and write the answer. Pehla question, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स यानी कुछ चॉइसेस दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके लिखना है. लेकिन जहाँ पर ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर किया हुआ है. जहाँ ऑप्शन का ज़्यादा ही ज़रूरत है, विदाउट ऑप्शन वी कैनॉट डू दैट, वहाँ ऐसे सिचुएशन में मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एम इज इक्वल टू, सेट ऑफ एम इज इक्वल टू 1, 3, 5. जो m सेट है उसके अंदर 1 और 3 और 5 है और n सेट में 2, 4, 6 है. ओके, देन m इंटरसेक्शन n क्या है? m इंटरसेक्शन n यानी दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है. तो यहाँ पर आप देखो, इसमें 1, 3 और 5 है, इसमें 2, 4, 6 है, कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है. सो m इंटरसेक्शन n क्या होगा? नल सेट होंगे. आपको 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एक्चुअली ऑप्शन का आंसर जब करोगे तो सपोज ये ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर किस तरह होगा? सी लिखेंगे आंसर में, सी. ओके, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है. लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ, एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू नल सेट. आई विल शो यू हाउ द क्वेश्चन इज गिवन. देखो क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव answer for the following questions. If m is equal to 1, 3, 5, n is equal to 2, 4, 6, then m intersection n is equal to first option 1, 2, 3, 4, 5, 6 or second option b 1, 3, 5, third option c is null set and fourth option 2, 4, 6. okay, to aapko jo correct wala hai select karke uska option number jo hai wo likhna hai. Abhi second sum, p is a set of all x such that x is an odd natural number. P is a set of all x such that x is an odd natural number. Odd natural number क्या क्या होता है? 1, जो 2 के टेबल में नहीं आता, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना, इस तरह जाएगा odd natural number जो 2 के टेबल में नहीं जाता है. और आगे कंडीशन दिया है, 1 is less than x is less than or equal to 5. इसको पढ़ते हैं, less than or equal to. 1 is less than, x is less than or equal to 5. इसका मतलब 1 के आगे x है, 5 के पीछे भी x है, 5 के पीछे x है लेकिन 5 भी इक्वल है. x का जो मतलब हम p सेट में जो डालने वाले नंबर्स होंगे वो ऑड नेचुरल नंबर होंगे, ऑड नेचुरल नंबर. और आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो वैल्यू हम डालेंगे वो 1 के बाद होगा, 1 के बाद का ऑड नेचुरल नंबर होंगे और 5 के पहले के होंगे, यानी 1 से आगे और 5 के पीछे. और साथ में इधर इक्वल दिया, इसका मतलब 5 भी आ सकता है. तो क्या क्या होगा 1 के बाद का ऑड नंबर? 3 होंगे. 1 के बाद 2 है, 2 ऑड नहीं है, इवन है, तो 3 लिखा. 4 इज एन इवन नंबर, वो नहीं लिखेंगे. 5 हमें लिखना है क्योंकि इट इज इक्वल दिया है, सो 5. सो हमारा आंसर है, हाउ टू राइट द सेट इन रोस्टर मेथड, ऐसा पूछा है. ये सेट को लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में किस तरह लिखना है? सो p इज इक्वल टू 3 और 5, दैट इज द आंसर. ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, p इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल 10, 1, 2, 3, 10 तक. व्हाट टाइप ऑफ अ सेट इज p? किस किस्म का, कौन से टाइप का सेट है ये? 1 से स्टार्ट हुआ, 10 में फिनिश हो गया है. इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स हम काउंट कर लिया, यानी इट हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो दिस सेट इज़ अ फाइनाइट सेट. वी हैव स्टडीड फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और नल सेट. बराबर, नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट. तो उसमें से कौन सा वाला है? ये फाइनाइट सेट है. ओके, क्योंकि इसके अंदर का जितने एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है या लिमिटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एम यूनियन एन इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एम इज इक्वल टू 1, 2, 4,
ये दो दिए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन, देखो एम यूनियन एन भी दे दिया, एम भी दे दिया, क्या नहीं दिया है, एन नहीं दिया। हमसे पूछा अगर नीचे दिया हुआ में से कौन सा सेट एन हो सकता है, तो एन के लिए कुछ भी सेट हो सकता है जो दोनों मिलकर एम यूनियन एन, एम यूनियन एन का मतलब क्या होता है, एम और एन मिलाकर इतना है, तो उसमें से एम अकेले इतने हैं तो एन क्या होगा। तो यहाँ पर बिना ऑप्शन के हम कर नहीं सकते, क्योंकि एन के जगह में हम बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हो। एम के अंदर 1, 2, 4 है, 1, 2 और 4, वो छोड़ के बाकी अभी क्या बचा, 3 और 5 और 6, तो 3, 5 और 6 अगर एन के अंदर है तो एम और एन मिलेंगे तो इतना हो जाएगा, 3, 5 और 6 होगा। तो अगर नहीं, एन के अंदर 2, 3, 5, 6 होगा तभी भी 2, 3, 5, 6, तो 1 होएगा 2 होएगा, आपको समझ में आ रहा है। तो और भी एन का चांसेस होता है, यानी एन जो सेट है वो सेट की जगह में अलग अलग आंसर हम लिख सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन का ज़रूरत है। ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें से एन सेट कौन सा हो सकता है, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमें दिया 1, 2, 3, चलो चेक कर लेते हैं 1, 2, 3, अगर एन 1, 2, 3 है तो दोनों मिलकर, यानी एन के जगह में 1, 2, 3 अगर है तो एम और एन मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनता है क्या, देखते हैं 1, 2, 3, 4 इतना ही बनता है, तो ये सेट नहीं बनता, तो ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। नाउ ये चेक कर लेते, हमारे पास एन के जगह में 3, 4, 5, 6 है और एम में 1, 2, 4 है, ये दोनों मिलाकर ये पूरा होता है क्या, देखते 1, 2, 3, 4 एक बार लिखेंगे, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस ये ऑप्शन हमारे लिए राइट लग रहा है, राइट लग रहा है नहीं, राइट है, एन है, एन के जगह में 3, 4, 5, 6 चलेगा। फिर भी आपने आंसर तो फाइंड आउट कर लिया, बट डोंट लीव द अदर ऑप्शन ऑल्सो, दूसरे ऑप्शन को भी अब देख लेना। ओके सो नेक्स्ट ऑप्शन है 2, 5, 6, उसको भी एक बार चेक करके देख लो, 2 और 5 और 6 इसके साथ जोड़ दो तो ये मिलना चाहिए, 1, 1 लिखे, 2, 2 इधर भी है, 3 दोनों में नहीं है तो यहाँ पे 3 फिर कहाँ से आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 4, 5, 6, तो ये एम है 1, 2, 4 और ये 4, 5, 6 मिलाकर ये होता है क्या, देखते हैं 1, 2, 2 इधर भी नहीं है, 2 लिख सकते हैं, 3 दोनों में नहीं है तो फिर इधर कैसा लिख पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो कौन सा है करेक्शन, करेक्ट बी वाला, दैट इज 3, 4, 5, 6, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बनता है, देखो 1, 2, 2 इधर से लिखेंगे, 3 यहाँ से लिखेंगे, 4 दोनों में लिखेंगे, 5 इधर है और 6 इधर है, सब कुछ लिख पाएंगे। ओके सो आंसर इज एन इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली ऑप्शन बी। नेक्स्ट सम, इफ पी इज अ सबसेट ऑफ एम, इसका मतलब क्या है, पी एम के अंदर है पूरे, अगर एम देखोगे तो उसके अंदर पूरा पी मिल जाएगा। ओके पी इज अ सबसेट ऑफ एम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम, पी यूनियन एम और पी दोनों का इंटरसेक्शन इनमें से कौन सा होगा। इस तरह जब देते हैं तो आप क्या करना है, एक एग्जाम्पल बना लेना, क्योंकि इसके अंदर पी सेट एम सेट वगैरह कुछ भी उसके अंदर का एलिमेंट्स आपको पता नहीं है, तो एकदम परफेक्टली बिना मिस्टेक का अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, एक सेट बना लो पी और एक सेट बना लो एम, पर इस तरह बनाना कि जो पी में है जितना भी वो पूरे किस में होना चाहिए, एम में होना चाहिए, और एम में कुछ एक्स्ट्रा भी डाल देना। सो लेट्स मेक टू एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर हमें पी से सबसेट ऑफ एम दिया, तो पी को इस तरह बनाना है कि वो पूरे एम में आ जाए, तो प्री में पी में मैंने लिखा 1, 2, 3, थोड़ा सा ही बस हो गया हमें सिर्फ समझने के लिए, और एम को किस तरह बनाना है, ये पूरा पी और एक्स्ट्रा भी, यानी 1, 2, 3 और एक एक्स्ट्रा भी डाल दिया, एक ही काफ़ी है। तो पी हमें हमने बनाए, एम हमने बनाए, यहाँ पर देखो पी जो है एम का सबसेट है, यानी पूरे पी एम के अंदर है और एम में एक्स्ट्रा भी है। अभी हमें क्या आंसर फाइंड आउट करनी है, पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम, ये फाइंड आउट करनी है बराबर। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम पी यूनियन एम बनाते हैं इन दोनों में से, पी यूनियन एम, पी यूनियन एम क्या होगा, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर मतलब क्या होता है, 1 आएगा, 2 आएगा,
थ्री भी है, दो दो बार रिपीट तो नहीं करते हम ना, फोर है। तो पी यूनियन एम कौन हो गया, खुद एम हो गया, क्योंकि दोनों ये इसके अंदर का सब कुछ इसमें है और इसमें एक्स्ट्रा भी है ना, तो पी यूनियन एम खुद क्या बन गया, एम बन गया। तो ये जगह में पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम के बदले में हम क्या लिख सकते हो, एम लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, पी इंटरसेक्शन एम। अभी आप देख सकते हो इसका मतलब, ये जो पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम के बदले में, पी यूनियन एम के बदले में ये हम लिख सकते हो पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम क्या बन गया, एम बन गया। तो अभी आप चेक करो पी इंटरसेक्शन एम क्या होता है, पी इंटरसेक्शन एम दोनों में कॉमन, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, वन टू और थ्री। अब ये किसके बराबर है, देखो किसके बराबर है, पी के बराबर। तो इसका आंसर क्या बन गया, पी बन गया। इज इट क्लियर? तो हमारा आंसर है पी। किसके आंसर, पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम। ये हमेशा नहीं होता है, जब ये सिचुएशन रहेगा तो, अगर पी इंटरसेक्शन एम दिया है तो पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम क्या होगा, पी खुद होगा। अब बाय हार्ट नहीं करना, कोई भी दो एग्जाम्पल लिख देना, पी का एक और एम का एक, और उसमें से आप पी इस तरह बनाना कि पी के अंदर का सब कुछ एम में हो और एम में एक्स्ट्रा भी कुछ हो, और उसके बाद पी यूनियन एम बना देना, और वो क्या किसके साथ है कंपेयर करना, और उसके बाद इसके बदले में एम डाल देना पी यूनियन एम के बदले में, और इसको फाइंड आउट करना अपना क्वेश्चन के एग्जाम्पल के अंदर से, तो आपको मिल जाएगा वो कौन है करके। तो हमें आंसर मिला पी। तो हमारे यहाँ का ऑप्शन के हिसाब से पी। ओके, सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। एम्प्टी सेट यानी उसके अंदर कुछ नहीं होगा, बराबर, नल सेट। सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस, आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होता है, जो लाइन कभी आपस में मिलते नहीं है, जो लाइन कभी आपस में मिलते नहीं है। और यहाँ पे बोल रहा है सेट ऑफ द पॉइंट, यानी वो पूरे पॉइंट निकाल लो जो इंटरसेक्शन होता है, यानी मिलता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जहाँ पर जाके मिलता है उस, वो कितने पॉइंट्स है। जब पैरेलल लाइन नहीं मिलता कहीं भी तो उसका इंटरसेक्शन होता है, वो आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्शन मतलब ये इस तरह होना चाहिए। और दो लाइन से इंटरसेक्शन होता है तो कितने पॉइंट में होता है, एक ही एक पॉइंट में होता है। लेकिन पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट होता ही नहीं ना बच्चा, तो उसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, तो ये तो पूरे नल सेट हो गए, बराबर। ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर के सेट में क्या आएगा, टू आएगा, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो दैट इज अ सिंगल टर्न सेट। ये वाला जो है एक सिंगल टर्न सेट है, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है टू, सो दिस इज नॉट करेक्ट। द मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, ऐसा कोई मंथ है जिसमें 30 डेज से भी कम डेज है, ऑब्वियसली है फेब्रुवरी। फेब्रुवरी के अंदर 28 डेज, अदरवाइज 29 डेज होता है, 30 डेज नहीं होता, सो ये भी एक सिंगल टर्न सेट हो गया। और नेक्स्ट, पी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, एक्स में इंटीजर आएगा, नेगेटिव वन इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन पॉजिटिव वन। एक्स का वैल्यू नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन के बीच में कौन है, वो ज़ीरो। नेगेटिव वन के बाद और वन के, पॉजिटिव वन के पीछे कौन होता है, ज़ीरो। तो इधर एक्स का वैल्यू ज़ीरो है तो हमारा पी सेट के अंदर आएगा ज़ीरो। ज़ीरो आया मतलब एक्स एक एलिमेंट है वहाँ पर, तो वो कौन सा सेट हो गया, दैट ऑल्सो इज अ इज एन एम्प्टी सेट और इज ए नल सेट, सॉरी दैट इज अ सिंगल टर्न सेट, क्योंकि उसमें ज़ीरो आया। तो ये भी सिंगल टर्न सेट है, ये भी सिंगल टर्न सेट है, ये भी सिंगल टर्न सेट है। एम्प्टी सेट कौन है, सिर्फ और सिर्फ ए, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता नहीं है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दैट मीन्स फर्स्ट सेक्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो सब क्वेश्चन छः थे वो छः के छः हो गए। नाउ सेकेंड सब क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। वापस से इधर भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसका करेक्ट ऑप्शन हमें निकालना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। ये नीचे दिया हुआ कलेक्शन में से कौन सा सेट है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो एक कलेक्शन हमें दिया
और हर किसी का आंसर उसमें फिक्स हो, जैसे कि मंथ्स ऑफ द ईयर, अगर मैं बोलूं या आप बोले, कोई और बोले, दूसरे देश के कोई बोले, इंग्लिश कैलेंडर का मंथ्स उतना ही होता है, सेम ही सेम। तो वो कलेक्शन ऑफ सेट, जो वो कलेक्शन एक सेट है, लेकिन उस जगह में बोलेंगे कि आपके क्लास के जो हाइटेड बच्चे कौन कौन है, तो उसमें मेरा नज़रिया कुछ और होगा, आपका नज़रिया अलग होंगे, आपके लिए हाइट का डिफिनेशन कुछ और होगा, बराबर। तो वो आंसर चेंजेस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो आप किस तरह पहचानेंगे, अगर एक सेट के अंदर जो कलेक्शन है वो कलेक्शन के लिए एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन वर्ड दिया हुआ है, डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया हुआ है, तो वो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे नज़र में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स मेरे नज़र में समझो कि रोज होगा, और समझो लिली होंगे, या फिर जैस्मिन होगा, मेरीगोल्ड होंगे, और आपके नज़र में हो सकते कि वो हिबिस्कस हो, समझ रहे हो, और वो लोटस हो। तो अलग अलग सोच या अलग अलग लोगों का जो डिस्क्रिप्शन है एक एडजेक्टिव को लेकर, वो अलग हो सकता है। तो वैसा जहाँ पर एडजेक्टिव दिखेंगे आपको, वो सेट नहीं हो सकता। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, कलर्स ऑफ द रेनबो। कलर्स ऑफ द रेनबो में कोई एडजेक्टिव वर्ड नहीं दिया है, तो मैं बोलूँ आप बोले कलर्स ऑफ द रेनबो, सेम होगा, दिस इज अ सेट। टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में जो ऊंचे ट्रीज, टॉल इज द एडजेक्टिव, तो ये सेट नहीं हो सकता। रिच पीपल इन द विलेज, विलेज के, गांव के अमीर लोग, रिच एडजेक्टिव है, मेरे लिए अमीर कोई और होंगे, आपके लिए अमीर कोई और होंगे, तो ये भी एक सेट नहीं है। इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, एडजेक्टिव है ये, मेरे लिए इजी, अगर मैं कर पाए तो मैं बोलूँगी वो इजी है, अगर नहीं मैं वो नहीं कर पाई तो मैं बोलेंगे वो इजी नहीं है, लेकिन दूसरा कोई को किसी के लिए वो इजी हो सकता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव यूज़ किया, इसलिए दिस ऑल्सो इज नॉट अ सेट। तो यहाँ पर आंसर सिर्फ कलर्स ऑफ द रेनबो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स आगे वाला, मतलब नीचे दिया हुआ में से विच, कौन सा सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ नहीं है, तो ये एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना इस तरह जाएगा। होल नंबर में क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह होल नंबर जाएगा। ओके, इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में सेम सेम क्या है, ये देखो यहाँ से फुल दोनों में सेम है, सिर्फ जीरो छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है, तो ये इनका इंटरसेक्शन है। इनका इंटरसेक्शन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि नेचुरल नंबर ही इनका इंटरसेक्शन है। ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में से 1, 2, 3 ऐसा डॉट 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 दिया हुआ था, अगर ऑप्शन में एन दिए, डब्ल्यू दिए, और आई दिए, क्यू दिए, क्यू मतलब रेशनल नंबर, ये कुछ भी दिया होता तो हम क्या लिखते थे आंसर में, एन लिखते थे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है एन ही खुद है, क्योंकि एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा एन होगा, यानी दोनों में सेम सेम जो है 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा। अभी नेक्स्ट सम में, उसमें भी एक में भी, इसी में, किसी में भी मैंने ऑप्शंस नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आंसर किया है। ओके, पी इज अ सबसेट, सॉरी, पी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, ये जो स्लैश को क्या पढ़ते हैं, सच दैट, पी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन। इंडियन जो वर्ड दिया है उसके अंदर का लेटर लिखना है हमारे पी सेट के अंदर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट पी इन द लिस्टिंग फॉर्म। ऐसा है तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, आई विल गिव यू द ऑप्शन, आई विल शो यू द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ देखो उसको ऑप्शंस दिया है आई एन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज आई एन डी ए, ऑप्शन सी इज आई एन डी आई ए, ऑप्शन डी इज एन डी ए, इनमें से कौन सा करेक्ट है। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसका सेट में क्या क्या आएगा, आई आएगा, एन आएगा, डी, उसके बाद आई वापस से नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आई हो गया है, फिर ए आएगा, एन ऑलरेडी हुआ है इसलिए एन को रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, पी इज इक्वल टू आई एन डी और ए, बाकी नहीं आता है क्योंकि आई दो बार रिपीट है, तो एक ही बार हम लिखेंगे, एन भी दो बार रिपीट है लेकिन उसको भी एक ही बार लिखेंगे।
Now the next one, sixth sum, sorry, fourth sum. If T is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and M equals 3, 4, 7, 8, then T union M. T union M, मतलब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 के बाद ये 3 और 4 तो ऑलरेडी लिखा. 7 और 8. तो आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ओके, तो ये इनका यूनियन हुआ. तो इतना था वो सेक्शन के अंदर. अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड. आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 100 पर्सन्स है, उनमें से. आउट ऑफ मीन्स उसमें से, किस में से? 100 लोगों में से. एक्चुअली यहाँ पर ये छोटा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है. अगर एक ही पर्सन है तो वी से पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन है तो वी से पीपल. ओके, नेवर से पर्सन्स, क्योंकि पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स नहीं होता. सो डोंट से पर्सन्स. आउट ऑफ 100 पीपल यानी 100 लोगों में से, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 100 लोग हैं, उसमें से 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश. 72 पीपल क्या करते हैं? इंग्लिश बात करते हैं. स्पीक इंग्लिश मीन्स इंग्लिश बात करते हैं. एंड 42 पर्सन यानी 42 पीपल स्पीक फ्रेंच. 43 लोग कितना क्या बात करते हैं? फ्रेंच बात करते हैं. ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. ये कंडीशन पे ध्यान देना, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट, लास्ट प्रॉब्लम सेट में हमने पढ़े थे उसमें. लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के बारे में था, चाय और कॉफ़ी वगैरह पीने वाले की बात थी, लेकिन वो जो टोटल बच्चे जो थे उसमें से कुछ बच्चे कुछ नहीं पीते थे, ना चाय ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं पीते थे. ऐसा भी कंडीशन था. चाय पीने वाले थे, कॉफ़ी पीने वाले थे, दोनों पीने वाले थे. ओके, और कुछ लोग थे कि ये कुछ भी नहीं पीते, ना चाय ना कॉफ़ी, तो उनका काउंट करना था. तो उसमें उनको हटा के बाकी लोग ही कुछ ना कुछ पीने वाले होते थे. लेकिन यहाँ पर जो 100 लोग हैं, वो 100 में से ईच वन आउट ऑफ 100, ये 100 में से हर एक लोग स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. उन लोग सब कोई ना कोई एक लैंग्वेज पढ़ते, रीड कर या बोलते हैं. पहला और अभी का सिचुएशन को कंपेयर करना. पहले का नंबर कितना था पता है, याद है आपको? पहले वाले क्वेश्चन में 125 लोग थे, ठीक है, 125 राइटिंग है, ओके, 125 लोग थे. इसमें से कॉफ़ी पीने वाले भी थे, टी पीने वाले भी थे, कॉफ़ी और टी दोनों पीने वाले थे, और कुछ भी नहीं पीने वाले भी थे. कुछ भी पीने वाले नहीं, ऐसा भी थे, कुछ नहीं पियेंगे, ऐसा भी लोग थे. तो ये 125 में से कुछ ना कुछ पीने वाले क्या होते हैं वो नहीं पता हमें. तो ये नथिंग वाले को समझो कि अगर 5 लोग कुछ नहीं पी रहे थे तो हमने ये 5 लोगों को इसमें से हटाया, 120 किया. तो इस 120 में कुछ नहीं पीने वाला कोई नहीं. तो ये टोटल लोग थे, दैट वाज अ यूनिवर्सल सेट. और ये इन दोनों के पूरे यूनियन था, यानी सी यूनियन टी था, याद है? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस सम. तो 120 लोगों में से सी यूनियन टी था ये 120. टोटल कितने थे? 125. उसमें से हमने 5 को क्यों हटाया? क्योंकि कुछ नहीं पीने वाले, यानी ग्रुप में आने वाला ही नहीं है, उन लोग उनको निकाल दिए. लेकिन यहाँ पर जो 100 लोग हैं, 100 के 100 पूरे के पूरे ग्रुप में आते हैं, यानी कोई ना कोई लैंग्वेज बात करने वाले, यानी उधर कुछ नहीं बोलने वाले, कोई नई लैंग्वेज यूज़ करने वाले, ऐसा कोई पर्सन नहीं है. तो वो एक स्टेप हमारे यहाँ पर नहीं है. जो 100 लोग हैं, हमारा यूनियन है, यूनिवर्सल सेट, यानी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट यानी टोटल पर्सन्स, और यूनियन मतलब ये दोनों मिलाकर, इंग्लिश और फ्रेंच को मिलाकर. तो यहाँ पर यूनियन और यूनिवर्सल सेट दोनों इक्वल है, 100 है. पर पहले वाले समय यूनियन 120 था, यूनिवर्सल सेट 125 थे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये यूनियन का और यूनिवर्सल सेट का कन्फ्यूशन है, पर यहाँ पर वो नहीं होगा. यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बोलो या फिर यूनियन बोलो, एक ही है क्या? 100%. ओके, 100 पीपल. नाउ लेट्स गो अहेड. देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश. ऐसा है तो कितने लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, कितने लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? ओके, सिर्फ इंग्लिश सोच लेना, सिर्फ इंग्लिश. और उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, कितने लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश बोलेंगे, और कितने लोग सिर्फ फ्रेंच बोलेंगे. अब देखो ये 72 इंग्लिश बोलने वाले, तो आप बोलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे इंग्लिश बोलने वाले का नंबर दिया है, फिर क्यों पूछा? ये जो इंग्लिश बोलने वाले जो 72 लोग हैं ना, उसमें से कोई कोई फ्रेंच भी बोलने वाले होंगे, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों होंगे.
और ये जो 43 जो है फ्रेंच बात करने वाले, वो लोग ज़रूर फ्रेंच बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई इंग्लिश भी बात करते होंगे। तो हमें ये जो 72 में से जो दोनों बात करने वाले, यानी इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बात करने वाले भी इसी के अंदर पड़ा होगा, उनको हटाना है। ओके, आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर मैंने 10 बच्चों का नाम दिया हुआ है, ऑल सभी गर्ल्स हैं, अंजू, मारिया, फौजिया, कीर्ति, तुलसी, मानसी और आदिरा, आयाना, माया, कार्तिका। ओके, इतने बच्चे हैं। ये इनमें से कौन कौन इंग्लिश बात करता है? चलो अंजू इंग्लिश बात करती है। ओके, कीर्ति इंग्लिश बात करती है, और इसमें आयाना इंग्लिश बात करती है, आदिरा इंग्लिश बात करती है। ओके, इतने बच्चे इंग्लिश बात करते हैं, 1 2 3 4, 4 बच्चे इंग्लिश बात करते हैं। नाउ बाकी फ्रेंच बात करने वाले, ओके, फ्रेंच बात करने वाले आदिरा और आयाना दोनों फ्रेंच बात करते हैं, आदिरा आयाना, ओके, फ्रेंच बात करते हैं, कार्तिका फ्रेंच बात करती है, ओके, अभी फौजिया फ्रेंच बात करती है, और मारिया लिख दिया, मतलब इन लोग कोई ना कोई एक लैंग्वेज बात करना ही चाहिए, एक तो फ्रेंच नहीं तो इंग्लिश नहीं तो दोनों, हर कोई बात करना ही है। यानी कोई भी बच्चे इसमें से ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, कोई भी लैंग्वेज नहीं बात करने वाला, ऐसा कोई नहीं है। माया फ्रेंच बात करती है, और कार्तिका हो गया, माया हो गया, आयाना हो गया, अधीरा, मानसी, मानसी नहीं हुआ, मानसी जो है वो भी फ्रेंच बात करती है। ओके, मैं यहाँ पर एक और ऐड कर लेती हूँ, तुलसी, तुलसी इंग्लिश बात करती है, फौजिया हो गया, कीर्ति, कीर्ति हो गया, मारिया हो गया, मारिया हुआ नहीं, मारिया नहीं हुआ, सो मारिया फ्रेंच बात करती है, अंजू, ओके, सो अंजू का नाम हो गया, मारिया हो गया, फौजिया हो गया, कीर्ति हो गया, तुलसी, मानसी और अधीरा और आयाना और माया, कार्तिका। ओके, अभी इंग्लिश बात करने वाले 4, फ्रेंच बात करने वाले 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो टोटल इधर कितने हैं? 10 हैं, आप काउंट करके देख सकते हो, 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। दिस इज द यूनियन, ई यूनियन एफ। ओके, ई यूनियन एफ वो है। अभी ई में कितना है? 4, एफ में कितना है? 7। इंग्लिश बात करने वाले 4 नहीं, 5 है, सॉरी, एक और बढ़ाया था ना, ई में 5 है और एफ में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों मिलाएंगे तो 11 10 होएगा, 12 हो जाता है, बराबर ना? तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो यूज़ कर लेते हैं, इंटरसेक्शन भी मालूम पड़ेगा, इंटरसेक्शन कौन है? ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों में सेम, हम इधर देख के बता सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ क्या है करके, लेकिन कैलकुलेट करके बताने जा रहा है। नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल्स, दिखाई नहीं दे रहा है, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बराबर, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो हमारे पास इसमें इंटरसेक्शन हमने अभी तक काउंट नहीं किया है, तो इंटरसेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू कितना है? यूनियन कितना है पूरा मिला के? 10, और ई में कितने हैं? 5 लोग, एफ में कितने हैं? 7 लोग। ये दोनों मिलके 10 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों में कोई तो कॉमन वाले है, वो भी ऐड, मतलब किसी का नाम 2 बार प्लस किया हुआ है हमने इसके साथ, इधर भी आया, इधर भी आया ना, तो इधर भी आया ना और अदिरा को लिया है, इधर भी आया ना और अदिरा को लिया था, तो इधर डबल टाइम हो गया, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और माइनस ये नहीं पता हमें, ई इंटरसेक्शन एफ पता नहीं है, ऐसा सोच लो। तो क्या करेंगे, ये जो है ये दोनों को ऐड करेंगे, 10 इज इक्वल टू, ये दोनों मिलकर 12 हो जाता है, माइनस एन एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, अभी इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में लेकर आओगे तो नेगेटिव हो, सॉरी, नेगेटिव में से पॉजिटिव हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। क्या करेंगे, ये 12 इधर रखा, ये यहाँ से आया तो पॉजिटिव है, याद रखना, ये इधर आएंगे तो नेगेटिव, सो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ? 2, बराबर, दोनों में होने वाले कितने हैं? 2 है, वो हमको ऑलरेडी एक्चुअली मालूम मालूम था कौन कौन थे, आदिरा और आयाना था, बराबर ना, दोनों लैंग्वेज बात करने वाले, तो हमें मिला ई यू इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों बात करने वाले कितने लोग मिले हमें? 2 लोग मिले।
तो ये टोटल कितना है, मतलब इंग्लिश बात करने वाले 5 है, वो 5 में से दोनों बात करने वाले कौन कौन है, अदिरा और आयना, इनको निकाल दोगे तो हमें पता चलेगा ना कौन कौन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बात करते हैं, फ्रेंच बिल्कुल नहीं। कौन है वो? अंजू, कीर्ति, तुलसी। कितना मिला? 3। समझा? और ये जो है टोटल कितने हैं, 7 लोग फ्रेंच बात करते हैं, उसमें से जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है ना दोनों बात करने वाले, उनको हटा दो, यानी 2 को हटा दो, तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बात करने वाले कौन है, 5 लोग हैं। देखते हैं कौन, 1 2 3 4 5, उन लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बात करने वाले होते हैं। आपको समझ में आया है? तो यही सेम काम हमें हमारा सम के साथ करनी है, ठीक है? अभी तो मैंने सम को ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर लिया है, बस नंबर अलग था। तो हमने ई जो है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल का नाम लिख दिया, लेट ई बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। ई वो सेट रहने दो जहाँ पर इंग्लिश बात करने वाले लोग, और एफ बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। एफ वो सेट रहने दो जहाँ पर जो पीपल जो लोग है उसमें फ्रेंच बात करने वाले लोगों का सेट रहने दो। अगर ऐसा है तो ई में कितने लोग हुआ, 72, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ फ्रेंच वाले कितने, 43। ओके, ईच वन आउट ऑफ 100 पीपल स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ये कंडीशन ध्यान देना है, क्योंकि 100 लोग है उसमें से कोई ना हर कोई कोई ना कोई लैंग्वेज बात करते हैं। इसके लिए यूनियन ई और एफ का यूनियन का नंबर कितने हुए, 100। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस इधर इंटरसेक्शन। इसका वैल्यू 100 है, इक्वल ए 72, ये 43 माइनस ये नहीं पता हमें, दोनों बात करने वाले का लिस्ट हमें पता नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 100 इधर ऐसे ही लिखा, इज इक्वल टू नेक्स्ट दोनों को नंबर को कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, कौन से 72 और 43 को, सॉरी 43 को ऐड करना है, ऐड करके 115 माइनस ये वैसे की वैसा लिखा। नेक्स्ट स्टेप में इसको लेफ्ट साइड में लेकर गया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये 115 यहाँ और 100 राइट साइड में आया तो -100। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन है ना, इधर दोनों बात करने वाले हैं, फ्रेंच वाले और इंग्लिश वाले, उनको एक एक लिस्ट में से हटाना पड़ेगा, तब जाकर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच ये दोनों मिलेगा। तो 115 में से 100 हटाया तो दोनों बात करने वाले 15 लोग हैं। ओके, तो हम वो आंसर लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। बोथ द लैंग्वेजेस मतलब दोनों भाषा, कौन कौन दोनों भाषा, इंग्लिश और फ्रेंच, कितने लोग हैं, 15। अब नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करने वाले क्या होंगे, ई इंग्लिश के लिस्ट में जो लोग दिए थे उसमें से दोनों बोलने वाले को हटाना है, 72 माइनस दोनों बात करने वाले 15, तो माइनस किया 57 लोग सिर्फ इंग्लिश बात करते हैं। ओके, 57, 72 थे उसमें से 15 लोग दोनों बात करने वाले, इसलिए उनको हटा दिया, सिर्फ इंग्लिश के लिए फाइंड आउट करना था, तो हमें माइनस करके 57 मिला। और उसके बाद नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग ओनली फ्रेंच, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बात करने वाले, सेम फ्रेंच के जो लिस्ट दिए थे उसके अंदर कितने लोग थे, 43 माइनस दोनों बात करने वाले को इसमें से निकालना है ना, कि वही 15 को निकालना है, तो 43 लोग फ्रेंच बात करते थे उसमें से 15 लोग इंग्लिश भी बात कर रहे थे, उन्हें निकाल दिया, आंसर मिला सिर्फ बात करने वाले, सिर्फ फ्रेंच बात करने वाले 28। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सम, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू। ओके, बट आई बिफोर आई टोल्ड यू टू सॉल्व द सम्स, बट नोबडी सेंड मी द आंसर्स, बट द रिमेनिंग सम्स whatever I have given you marking also some sums are avoided, means removed from the portion, but at least the remaining sums please try to solve and send me. Bye bye.